वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न स्टॉक मार्केट। इस सीरीज में हम जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक, ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और चीजें जो आपको रियल टाइम ट्रेडिंग के वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। यह है इस सीरीज का थर्ड एपिसोड और हमने फर्स्ट दो एपिसोड में पूरी तरह से बेसिक्स कवर कर दिए हैं। अब इस एपिसोड में हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे और एडवांस लेवल के कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू चूज अ राइट स्टॉक, उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, कौन सा ऐप यूज करें, कैसे उसका टेक्निकल एनालिसिस करें और कैसे उसका फंडामेंटल चेक करें, और उसी के साथ हम देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ये सारी चीजें आखिर होती क्या है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे निकल के आती है कि एक राइट स्टॉक चूज करना जिसमें आप ये सब कर सको। तो पहले तो ये चीज देखनी है कि कौन से स्टॉक्स या फिर कौन सी कंपनीज आप आपके अगल बगल देख रहे हो, मतलब फेमस कंपनीज आपको चूज करनी है, जैसे कि बाटा या फिर मेटल्स में कहो तो टाटा स्टील है या फिर टाटा मोटर्स है या फिर रिलायंस है, ऐसी जो कंपनीज है वो आपको चूज करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। उन सारे स्टॉक्स की आप एक अलग से लिस्ट बनाओगे जो कि आपके ऐप पे बनी होगी। वो ऐप कौन सा भी हो सकता है, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू ले लो। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, या फिर आपका जिस ऐप पे डीमैट अकाउंट है उस पे भी आप ये लिस्ट एज अ वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो। डीमैट अकाउंट क्या है और उससे कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ग्रो ऐप एक रिकमेंडेड ऐप है जो कि फेमस भी है और ट्रस्टेड भी है कई लोगों के द्वारा, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं भी वही ऐप यूज करता हूँ, चाहो तो आप वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। सब पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि उनकी इश्यू प्राइस क्या थी और अभी वो किन प्राइस पे चल रहे हैं। मतलब अगर उनकी इश्यू प्राइस सपोज 2000 रुपीज थी, इश्यू प्राइस क्या है ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है इसी सीरीज के। सो आईपीओ की प्राइस क्या थी, मतलब इनिशियल प्राइसिंग क्या थी और उसकी अभी प्राइस क्या है, ये आप पहले देखोगे। मतलब प्राइस 2000 रुपये होगी इनिशियल और अभी स्टॉक की प्राइस 200 रुपये चल रही है, तो वो स्टॉक आप सीधा अपनी लिस्ट से निकाल लोगे क्योंकि वो स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आपको लॉजिक से ही पता लग रहा होगा। लाइव एग्जांपल से जान लेते हैं कि आपको कैसे करना है। सपोज आप स्क्रीन पर देख सकते हो टाटा मोटर्स और मारुति के स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, तो मतलब ये आपको यूजुअली व्हीकल्स देखने से पता चल रहा होगा कि टाटा और मारुति के व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, तो आपने सपोज ये एनालिस्ट कर लिए। सो पहला स्टॉक हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे आपको ये न्यूज़ भी देखने को मिल जाएंगी, ट्रेडिंग व्यू ऐप है ये, आपको अगर यूज़ करना हो तो इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की इश्यू प्राइस है अराउंड 15.55 रुपीज़ और अभी इसके प्राइस कितनी है देखिए 469 रुपीज़। सो मतलब इश्यू प्राइस से बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस है, हालांकि ये कंपनी भी बहुत ओल्ड है तो इसकी वजह से इसकी इश्यू प्राइस और अभी के करंट प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन बेसिकली आपको यही करना है। मारुति कंपनी जो कि हमने सेकंड बात करी थी, इसकी इश्यू प्राइस थी, मतलब इनिशियल प्राइस थी 195 रुपीज़ और अभी इसकी प्राइस है आप देख सकते हो कि 8,670। ये देखने के बाद सेकंड आपको चीज देखनी है कि उस स्टॉक का सेंटिमेंट अभी कैसा है, उसके बारे में न्यूज क्या है और वो स्टॉक अभी फंडामेंटली कैसे परफॉर्म करना है। न्यूज आपको ऐसे ही सोर्स से जाननी है जो कि ऑथेंटिक हो। सो ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए बहुत से मोबाइल ऐप्स आप यूज कर सकते हो, बहुत से मोबाइल ऐप्स से आपके हिसाब से आप वो चूज कर सकते हो, या फिर आप न्यूज चैनल्स देख सकते हो जो कि खास फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए डिजाइन है। किसी भी अनऑफिशियल टिप्स पे या फिर किसी भी कॉल पे आपको ऐसे ध्यान नहीं देना है अनलेस वो सेबी सर्टिफाइड हो। अब हम जान लेते हैं कि आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करोगे, मतलब फंडामेंटली आप शब्द से ही पता आपको चल रहा होगा कि इसका प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है, मतलब कंपनी ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है, ये बेसिकली आपको जानना है। तो इसके लिए भी हम फिर से जाएंगे ट्रेडिंग व्यू ऐप में और यहाँ पे भी आपको न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन कुछ बार यहाँ की न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं रहती, मतलब ऐसा कह लो कि वो ऑथेंटिक रहती भी है लेकिन वो एक बार वेरीफाई नहीं कर देते, मतलब किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो ये सीधा यहाँ पे छाप देते हैं। सो ऐसा ये है। सो कुछ बार, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है लेकिन होता ज़रूर है। सो इसीलिए मैं ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता न्यूज़ के लिए। यहाँ पे आप न्यूज़ जान तो सकते हो लेकिन फुल्ली इस पर डिपेंडेंट मत रहना। सो यहाँ पे हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं, तो हम स्क्रीन को पहले बड़ी कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ई मार्क है, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये देख सकते हो ये ई मार्क है, ये है अर्निंग का मार्क। अगर आप इस पर टैप करो तो इस पर आप देख सकते हो कि कंपनी का अर्निंग्स एंड रेवेन्यू कैसा है,
सो इसके डेट, पीरियड एंडिंग और सरप्राइज, मतलब जितने एक्सपेक्टेड थी उससे अर्निंग कम है या ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट या लॉस, ये आप यहाँ से जान सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो यहाँ पे आप इस पर टैप करो तो पूरी फाइनेंशियल्स यहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, इनकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट हो तो वो कौन सी है, इसका CEO कौन है और उसकी वैल्यूएशन कितनी है, ये आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट्स लॉसेस कितने हैं, टोटल इनकम नेट इनकम कितना है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। सो अब ये सारी चीज़ें स्टडी कैसे करनी है आपको, तो देखिए पहले तो बहुत कॉमन चीज़ है कि कंपनी के प्रॉफिट्स आपको दिखने चाहिए, मतलब ये जो आंकड़े है वो आपको ग्रीन दिखने चाहिए। अभी देखो ये क्वार्टरली आंकड़ा है, यहाँ पे आप ईयरली ग्रोथ भी देख सकते हो। सो मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है, क्वार्टर में एक दो क्वार्टर्स में लॉस हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता रहता है आगे पीछे, लेकिन ईयरली आपको प्रॉफिट दिखना चाहिए, ईयर ओवर ईयर आपको ग्रोथ देखनी चाहिए। सो यहाँ पे आप वो एग्जैक्टली देख सकते हो। दूसरी चीज़, कंपनी के एसेट्स कंपनी के लायबिलिटीज से ज़्यादा चाहिए, मतलब एसेट्स मतलब कंपनी के पास जो कुछ भी अमाउंट है, कैश है या फिर कोई भी मशीन्स है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, वो कंपनी की एसेट्स हो गई, और लायबिलिटीज़ मतलब कंपनी के लोन्स। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी का पी रेशियो कितना है। पी ई रेशियो मतलब बेसिकली है प्रॉफिट्स टू अर्निंग का रेशियो, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये है मारुति का पी रेशियो 35.10, मतलब 300-200 ऐसा अगर पी रेशियो तो मतलब कंपनी ओवरवैल्यूड है और इसके शेयर्स हमको गिरते हुए देख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने कर ली, आपने स्टॉक्स चूज़ कर लिए, उनके बारे में न्यूज़ देख ली, उनको फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया। सो अब आपको पता है कि इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है, मतलब चढ़ने वाली है, बुलरन आने वाला है, लेकिन ये कितना आएगा वो जानने के लिए हमको चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें हम स्टॉक के प्राइस पर उसका अगला मोमेंटम और उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंसिडर की जाती है। ये कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि कैंडल आखिर होती क्या है। सो इसी में थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपको ग्रीन स्ट्रक्चर और रेड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये या फिर ये, तो ये चीज़ें क्या है। सो इसको कहा जाता है कैंडल। इसका ये जो पोर्शन है जो आपको थिक दिख रहा है, इसको कहा जाता है इसकी बॉडी, और अगर ये निचला वाला हिस्सा आप देखें जो कि थिन है बहुत, इसको कहा जाता है इसकी विक। सो ये बॉडी और ये विक दोनों मिलके बनती है एक कैंडल। स्टॉक की प्राइस यहाँ पर खुली और यहाँ पर क्लोज हुई। सो मतलब जब मार्केट खुला तब सपोज स्टॉक की प्राइस थी 100 रुपये यहाँ पर ऊपर, और जैसे ही मार्केट बंद हुआ तो स्टॉक की प्राइस थी 80 रुपीज़ यहाँ पर नीचे। ये हो गई रेड कैंडल, मतलब स्टॉक की प्राइस हाइयर ओपन होती है और उसकी प्राइस गिरती है तो रेड कैंडल बनती है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह है ग्रीन कैंडल। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टॉक की प्राइस नीचे शुरू हुई, मतलब स्टॉक 80 रुपीज़ पे खुला और 100 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। सो ये है ग्रीन कैंडल, तो मतलब प्राइस चढ़ी, एक ग्रीन सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है, तो ये होती है ग्रीन कैंडल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये विक किस चीज़ के लिए है, सो ये भी जान लेते हैं। तो देखो स्टॉक की प्राइस जैसे कि हमने अभी बात करी, यहाँ पे ओपन हुई ग्रीन कैंडल है और चढ़ी, मतलब ऊपर क्लोज हुई, और इस दौरान प्राइस यहाँ पे चली गई 70 पे चली गई। सो ये ओपनिंग टाइम है, ये क्लोजिंग टाइम है, और इसके बीच में जो कुछ भी प्राइस का मूवमेंट हुआ उसको विक के द्वारा दर्शाया जाता है। सो ये कैंडल्स भी एक्चुअली आप टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हो, मतलब एक मिनट की भी एक कैंडल आप देख सकते हो और एक दिन की भी आप एक कैंडल देख सकते हो। अगर सपोज हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये 1 आवर की एक कैंडल है, मतलब क्या होगा कि 1 घंटे में कितनी प्राइस मूवमेंट हुई, 1 घंटे की एक कैंडल। अब जान लेते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो इसको कैंडलस्टिक बोलते हैं, कैंडल और स्टिक। अब इन कैंडल्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक कैंडल होती है, एक कैंडल से ही
पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह है एक रेड कैंडल और इसको कहा है हैंगिंग मैन, मतलब यह एक बेरिश कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पहले दो कैंडल्स देखिए प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन ये एक कैंडल बनी और इसके बाद प्राइस डाउन जाने लगी। इसको कहा जाता है रिवर्सल। अभी इसका बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल मतलब एक ट्रेंड चल रहा होता है और उसको ब्रेक करके उसका उल्टा ट्रेंड हो जाता है, उसको कहा जाता है रिवर्सल। तो यहाँ पे आप हैंगिंग मैन मतलब एक बेरिश कैंडल है ये आप ऐसे देख सकते हो। सो सेकंड कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे है हैमर। सो यहाँ पे भी आप देखिए प्राइस डाउन जा रही थी और उसके बाद एक हैमर बना और उसके बाद ट्रेंड को हुआ रिवर्सल। सो ये इसके नाम है, ये हैंगिंग मैन हैमर ये इस कैंडल के नाम है। जब भी चार्ट के टॉप पे ये आपको कैंडल दिखेगी हैंगिंग मैन, तब आप समझ जाना कि रिवर्सल के चांसेस है। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी भी इंक्लूडेड होती है जो आपको साथ में स्टडी करनी होती है, लेकिन ये उनमें से एक है। इसी के उल्टा हैमर है जो कि चार्ट के नीचे बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि बेरिश जो कैंडल्स है, बेरिश रिवर्सल कैंडल्स है, वो चार्ट के टॉप पे बनेगी, मतलब ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर 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 जा रही है और उसी पे आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी चार्ट के टॉप पे, और उसके बाद प्राइस डिक्लाइन होगी। और ये बिल्कुल उल्टा है, ये प्राइस डाउन जा रही थी, एक बॉटम यहाँ पे लगाया हैमर ने और फिर प्राइस ऊपर चढ़ी। बुलिश कैंडल्स नीचे रहेंगी ताकि एक बुलिश ट्रेंड अपर ट्रेंड शुरू हो सके, और बेरिश कैंडल्स ऊपर रहेगी ताकि जो कुछ भी ट्रेंड अपर चल रहा है वो डाउन जा सके। यही दो उल्टी कैंडल्स है सिर्फ, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर भी आप देखें तो बेरिश कैंडल चार्ट के टॉप पे और बुलिश कैंडल चार्ट के बॉटम में। उसके बाद है ग्रेवस्टोन डोजी। डोजी मतलब क्या होता है कि प्राइस को कुछ मूवमेंट ही नहीं होती। प्राइस सपोज 10 बजे शुरू हुई 100 रुपीज़ पे, सो वो अप जाती है 110 रुपये, 120, 150 तो जाएगी, लेकिन क्लोज फिर से 100 रुपीज़ पे ही होगी। तो इसको कहा जाता है डोजी कैंडल और यह है ग्रेवस्टोन डोजी। नाम से पता चल रहा है ग्रेव मतलब क्या होता है आपको पता ही है, तो ग्रेवस्टोन मतलब बुल्स का ग्रेव। यह एक बेरिश कैंडल हो गई। उसके बिल्कुल अपोजिट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई मतलब ट्रेंड ऊपर जाएगा, डोजी कैंडल ही है सिर्फ ट्रेंड के बॉटम पे, चार्ट के बॉटम पे। अब इसमें क्या होगा, प्राइस होगी सपोज 100 रुपये पे, जब कैंडल ओपन हुई प्राइस जाएगी 80 रुपीज़ तक, लेकिन बुल्स इसको फिर से उठाएंगे और लाएंगे 100 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर। स्पिनिंग टॉप मतलब टॉप जैसी ये कैंडल्स होती है, सो इसके ऊपर और नीचे सेम विक रहेगी। इसका भी वही है, टॉप पे लगा तो नीचे जाएगा ट्रेंड, बॉटम में लगा तो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट और हमको बार बार देखने को मिलती है, ऐसी है मारू बोजू कैंडल। सो ये आप लास्ट वाली कैंडल देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश या बुलिश ट्रेंड हमको दर्शाती है। एक लॉजिकल थिंकिंग लगा के आप यहाँ पे सोचिए कि एक ऐसी कैंडल है जिसको विक ही नहीं है, मतलब प्राइस शुरू हुई 100 रुपये पे और बढ़ती चली गई, फिर आई ही नहीं नीचे, प्राइस सीधा 150 रुपये पे जाके रुक गई। डाउनवर्ड मूवमेंट उसमें हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो वो बहुत स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम हो गया ना, तो इसी के लिए इसको स्ट्रांग बुलिश कैंडल माना जाता है। अब इसके उल्टा देखिए, अगर प्राइस शुरू हो गई 100 रुपीज़ पे और गिरती चली गई आगे सीधा 50 रुपये पे, सो मतलब प्राइस ने ऊपर देखा ही नहीं, सिर्फ नीचे आ गई और एक ही बार में आ गई, तब आप क्या कहोगे उसको, एक मारू बोजू कैंडल। और दो बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। बुल्स ऐसी कैंडल बना रहे हैं, बुल्स मतलब स्टॉक की प्राइस चढ़ाने वाले ऐसी कैंडल बना रहे हैं जो पिछली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर रहे हो। यहाँ पे एक कंडीशन है कि पिछली पूरी कैंडल इसमें आनी चाहिए अगली कैंडल में। इसके उल्टा है बेरिश एंगल्फिंग में, मतलब बुलिश कैंडल इतनी होती है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और उसके ऊपर बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल बन जाती है और वो उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। अब हरामी की ओर अगर हम देखें तो इसके नाम से ही आपको फिर से पता चल रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि एक बेरिश कैंडल बनती है
और उसके ठीक सामने उसकी ठीक अगली कैंडल कुछ इस टाइप की बनती है। सो मतलब बेरिश ट्रेंड पे कहीं ना कहीं हमको रोक लगता हुआ दिख रहा है और उसके सामने एक बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब ये भी एक रिवर्सल साइन है, बुलिश रिवर्सल साइन। और बेरिश हरामी में बिल्कुल उल्टा है, एक बुलिश कैंडल बनती है लेकिन उसके ठीक अगली वाली कैंडल बेरिश साइंस दिखाना हमको शुरू कर देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये शुरुआत होती है एक बेरिश ट्रेंड की। अब देखिए यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता कैंडल का, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे हमने देखा कि हैमर क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, राइट, बुलिश कैंडल है। तो ये कैंडल रेड भी हो सकती है, इसका सिर्फ शेप मैटर करता है, शेप और पोजीशन यहाँ पे मैटर करती है। सो अगर चार्ट के बॉटम में आपको बनता हुआ दिख रहा है एक हैमर जो कि रेड कलर का है तो वो भी बुलिश ही कहलाया जाएगा। अगर चार्ट के टॉप पे एक ग्रीन हैंगिंग मैन बन रहा है तो भी वो बेरिश ही होगा। आप ये वीडियो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएंगी। सिंपल से सिंपल भाषा में आपको ये मैंने फ्री में सिखा दिया है। आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री में चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये सारा नॉलेज बिल्कुल फ्री में मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।